गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। आज का हमारा टॉपिक है देयर, यूज ऑफ देयर एज अ सब्जेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देयर का प्रयोग हम कहां करते हैं? देयर का प्रयोग ऐसे सेंटेंसेस में किया जाता है जहां पर ज्यादातर आपको कभी कभी प्रॉब्लम होती है, आपको सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, ठीक है। इसके अलावा देयर का प्रयोग वहां होता है जहां पर जब कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर होती है, किसी चीज के अंदर होती है, या किसी स्थान पर होती है, या कहीं पर होती है, तो ऐसे सेंटेंस में आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं और किया जाता है। जैसे कि मान लो बोलूं टेबल के ऊपर, ठीक है, मान लो एक गिलास है उसके अंदर पानी की बात हो रही है, तो गिलास के अंदर। मान लो एक रूम है उसके अंदर बात हो रही है कि कमरे के अंदर, ठीक है, या किसी स्थान पर। स्थान जैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ किसी पार्क में, किसी ऑफिस में, किसी हॉल में, किसी पार्क में। तो जब कहीं पर भी कोई चीज होती है और वो प्रेजेंट होती है, यानी कि किसी चीज की हम उपस्थिति दिखाते हैं, तो हम देयर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्रेजेंस, उपस्थिति या मौजूद होने के लिए किसी चीज की, किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के अंदर, किसी चीज के नीचे, किसी स्थान पर, कहीं पर जब भी कोई चीज होगी तो आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो देयर वाले सेंटेंस होते हैं उनमें ज्यादातर कोई एक्शन वर्ब नहीं होती, यानी कि कोई काम नहीं हो रहा होता, खाना पीना पढ़ना लिखना ये सब। वो सेंटेंस नॉर्मल होते हैं इज एम आर के, सिंपल प्रेजेंट के, इज एम आर, was, were, has, sorry, is, am, are, was, were और will be, shall be के, has, have उसमें नहीं आता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ is, am, are, was, were, will be, shall be। अब ये आपने चैप्टर सीखा हुआ है, आई होप आपको आता होगा। अगर आपको is, am, are, was, were में भी प्रॉब्लम है तो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जो हमने is, am, are, was, were के ऊपर बनाई हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। इस कमरे में 10 विद्यार्थी हैं। इस कमरे में मतलब इस कमरे के अंदर की बात हो रही है, तो हमने यहां पर लिखा था कि किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के नीचे, किसी चीज के अंदर। तो देयर से हम सेंटेंस शुरू करें, देयर को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन दिस रूम। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं, 10 स्टूडेंट्स आर इन दिस रूम। बट ये सेंटेंस में भी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस अगर आप इस वे से बनाते हैं तो आपकी इंग्लिश बेटर मानी जाती है। अगर आप इस वे से बनाते हैं तो ठीक है, काम चलाओ वाली बात होती है कि हाँ भाई ठीक, आपको ज्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं आती, ज्यादा अच्छे से आप ट्रांसलेशन नहीं समझते हैं। तो देयर का प्रयोग हमें करना है ऐसी जगह पर जहां पर किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के नीचे, किसी चीज के अंदर, किसी स्थान पर कोई भी चीज होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। क्या इस कप में चाय है? तो कप में है तो इसका मतलब कप के अंदर की बात हो रही है। अब क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इज एम आर का सेंटेंस है, तो अब हमें इज एम आर सबसे पहले लगाना पड़ेगा। इज देयर, देयर हमारा सब्जेक्ट बन गया, टी इन दिस कप, क्या इस कप में चाय है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। मीटिंग में ज्यादा लोग नहीं थे, ये हमारा पास्ट फॉर्म में है, ये हमारा प्रेजेंट फॉर्म में है, इसमें हमने इज एम आर यूज किया, इसमें हम वॉज वर यूज करेंगे। मीटिंग में ज्यादा लोग नहीं थे, देयर वर नॉट मेनी पीपल इन द मीटिंग। देयर को हमने सब्जेक्ट बनाया और था थे थी की वजह से हमने वॉज वर लिया, और क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो थर्ड प्लेस पे नॉट भी लगाया है। देयर वर नॉट मेनी पीपल इन द मीटिंग, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसे सेंटेंस भी आते हैं, एक राजा था, एक किसान था, या एक किसान होगा, या कुछ भी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों फॉर्म में। ऐसे सेंटेंस में अगर हम एक राजा था, अ किंग वॉज, ऐसा सेंटेंस बनाते हैं तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट सा लगता है, सुनने में भी देखने में भी इसकी सेंस समझ में नहीं आती। इस तरह के सेंटेंस में भी हम देयर को सब्जेक्ट बनाते हैं और सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। देयर वॉज अ किंग, अब हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वॉज वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो हमारा सेंटेंस एक तरह से कंप्लीट लगता है कि एक राजा था। देयर विल बी अ पर्सन, एक व्यक्ति होगा। देयर विल बी अ मैन, सपोज हम कई बार बोलते हैं कि अरे यार वहां पर जाना, वहां पर नहीं तुम्हें एक आदमी मिलेगा या वहां पर एक आदमी होगा, तो बोलेंगे गो देयर, देयर विल बी अ पर्सन, देयर विल बी अ पर्सन, वहां पर एक आदमी होगा, उससे आपको बात करनी है, जो भी है समझाना है, इस तरह की बात, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, देयर का प्रयोग हम किसी चीज की उपस्थिति दिखाने के लिए करते हैं। कहीं पर भी कोई चीज अगर मौजूद है
चाहे वो टेबल है, कुर्सी है, किसी चीज के ऊपर है, किसी चीज के नीचे रहे, किसी भी चीज की आप उपस्थिति दिखा रहे हो, कहीं पर कोई चीज उपस्थित है तो आप देयर का यूज करेंगे। ठीक है, ज्यादातर देयर के सेंटेंस इज एम आर, वॉज वर और विल बी शैल बी के ही होंगे, उसमें वर्ब का यूज नहीं होगा एक्शन वर्ब का। ठीक है, और एक राजा था एक किसान था, इस तरह के सेंटेंस भी आप देयर से बनाएंगे। तो आई होप आपको देयर समझ में आ गया होगा। आप सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव हर तरह के सेंटेंस देयर से बना सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट के बाद हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।